बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एक डिज़ाइनिंग सूट जिसे हमने खुद ही स्टिच किया है। इस चैनल पर इसकी मुकम्मल वीडियो मौजूद है और इसमें मैंने दुपट्टे पे ये लेस लगाई है एप्लिक के साथ। जो शलवार का कपड़ा था हमारे पास, उससे मैंने ये एप्लिक लगाई है। गुम सिलाई के साथ हमारी लेस लगी है। दुपट्टे के चारों कॉर्नर बनाए हैं, इससे दुपट्टा हैवी हो जाता है थोड़ा और सर पर भी अच्छे से टिकता है। और ये इसके कॉर्नर भी बहुत अच्छे से बन चुके हैं। तकरीबन इसके लिए हमने 2.25 इंच की एप्लिक कटिंग की थी। 2.25 इंच की इसके लिए मैंने पट्टी कटिंग की थी और उसको दोनों साइड से आधा आधा इंच का फोल्ड देके हमने इस पर गुम सिलाई के साथ लेस लगाई है। और इसके अलावा हमने इसके ट्राउज़र में भी हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग दी है। इस तरह के ट्रायंगल्स बनाए, अलग से नहीं डले इसमें। इसी कपड़े के ट्रायंगल्स मोड़ के हमने इसके ऊपर इसका जो साइड बॉर्डर था वो लगाया है और ऊपर से सिलाई लगा दी है। लूज साइज़ की ये शलवार है, किसी को भी आराम से आ जाते हैं। जिन बहनों को मसला होता है कि हमारी शलवार फट जाती है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसकी सिलाई और कटिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर की आप लोग के साथ, वहाँ से आप लोग इसकी क्राफ्टिंग कटिंग का तरीका सीख सकती हैं। और इस पांचे की भी वीडियो मौजूद है, अगर अपने लिए सीना चाहे तो आप चैनल पे जाके वीडियो देखें और उसे इस तरीके से अपने ट्राउज़र तैयार कर सकती हैं। और कमीज़ पे हमने आस्तीन पे भी गुम सिलाई के साथ लेस लगाई है और गले पे भी हमने इस पर डिज़ाइनिंग की है, ट्रायंगल्स बनाए हैं। शलवार के कपड़े से हमने ये वाला कलर लिया है और कंट्रास्ट का कलर जो इस पर ये लाइनिंग दी हुई है और ये डिज़ाइनिंग हुई हुई है फ्रंट की, तो मेहरून का मैंने इसमें कंट्रास्ट का टच दिया है। गले पर भी मैंने इसी तरीके से पाइपिंग की है और इसमें हमारे पास कोई उरेब पट्टी वाली पाइपिंग नहीं थी, बल्कि मैंने एक स्ट्रीट पट्टी से ही जो दुपट्टे के यहाँ बाहर के पल्लू से एक्स्ट्रा हमें पट्टी दी हुई थी वो मैंने हटा दी थी और एक्स्ट्रा सी पट्टी थी, लेकिन उसी से मैंने गले की राउंड पाइपिंग भी की है और बहुत फिनिशिंग से हो गई है। बैक साइड का हमने गोल गला रखा है, गले पे ट्रायंगल डिज़ाइन किया है और डबल समोसे बनाए हुए हैं ट्रायंगल्स इस पर और पाइपिंग लगी है। और सेम इसी तरीके से दूसरे आस्तीन की भी एप्लिक के साथ लेस लगी है। चाक पर मैंने गुम सिलाई के साथ लेस लगाई है। और इस सूट के जो नॉर्मल साइज का कपड़ा आता है ट्राउजर का, तो इसे हमने दुपट्टे के लिए एप्लिक हटा दी थी, इस वजह से मजीद गुंजाइश इसमें एप्लिक लगाने की नहीं थी। तो मैंने इसी सूट से गुम सिलाई के साथ ये इसी कपड़े की एप्लिक मोड़ ली है और कॉर्नर भी इसके बहुत ही फिनिशिंग से बने हैं। बैक साइड का भी इसी तरीके से हमने इसी कपड़े की एप्लिक मोड़ी है। उम्मीद है कि आज के सूट की ये डिज़ाइनिंग आपको पसंद आई होगी। बहुत फिनिशिंग के साथ इस पर हमने लेस लगाई है एप्लिक के साथ, गले में डिज़ाइन किया है, ट्राउजर पर भी हमने ये डिज़ाइनिंग दी है। अगर किसी को भी ये डिज़ाइन सीना हो अपने लिए तो चैनल का विजिट करें और वहाँ पर इसकी मुकम्मल वीडियो मौजूद है। तो इंशाल्लाह फिर अपनी एक नए क्लास में एक नए काम के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।